हेलो बच्चों, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम जो है एक नया सेशन लेके आए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन अबाउट जेई एग्ज़ाम। तो जेई से रिलेटेड जितने भी बच्चों के डाउट हैं वो सब दूर करेंगे, और जनरल जो क्वेश्चंस हैं जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में उनको हम देखने वाले हैं। तो जेई मेन जो एग्ज़ाम है ये NTA कंडक्ट करवाता है हर साल। 2019 से कंडक्ट करवाना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले CBSE एग्ज़ाम करवाता था। एडवांस का जो एग्ज़ाम है, जेई मेन का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। 2020 उसका एक्सेप्शन था, जहां 4 अटेम्प्ट दिए गए कोरोना के कारण। एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो IIT के बोर्ड जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो जो मेन 7 IITs हैं, रुड़की, खड़गपुर, दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, मद्रास और गुवाहाटी, इनके अंडर बारी बारी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है जॉइंट एडमिशन बोर्ड के थ्रू। जेई मेन के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, या टॉप 20% उसके बोर्ड में 10+2 एग्ज़ाम में होने चाहिए। अगर हम कैटेगरी SC ST या PWD के लिए बात करें तो मिनिमम 65% मिनिमम मार्क्स चाहिए बोर्ड के लिए एलिजिबिलिटी के लिए, जेई मेन की एलिजिबिलिटी के लिए। जेई एडवांस की एलिजिबिलिटी के लिए मार्क्स का क्राइटेरिया सेम ही है, जनरल के लिए 75% और SC ST के लिए 12th, और इसके लिए इक्विवेलेंट होता है। OBC के लिए 65% है, और बच्चा जो है 2.5 लाख रैंक के अंदर उसकी रैंक आनी चाहिए तो वो जेई एडवांस देने के लायक बनता है, एलिजिबिलिटी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितने जेई मेन के लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट दिए जाते हैं। तो 3 साल लगातार आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं जेई मेन एग्ज़ाम के लिए, अगर हमें माने कि हर साल 2 एग्ज़ाम होते हैं, जनवरी और अप्रैल में। लेकिन अभी इस साल जो है 2020 में 4 एग्ज़ाम भी बच्चों को मिले हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट, तो यहाँ पे एक्सेप्शन था। बाकी 2 एग्ज़ाम आप साल में दे सकते हैं 3 सालों तक लगातार, एक बार 12th के साथ और 2 साल उसके बाद आप दे सकते हैं। एडवांस के लिए मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट ही मिलते हैं बच्चे को, और 2 लगातार सालों में, यानी 10th आप जिस साल कर चुके हैं उससे आगे के 3 सालों में वहाँ पर आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, यानी 12th में पढ़ते हुए और 12th के बाद आपको 1 अटेम्प्ट और मिलता है। एग्ज़ाम का मोड पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है। एग्ज़ाम पैटर्न जेई मेन के लिए क्या होता है कि 2 पेपर होते हैं, जिनमें पहला पेपर बी और बी टेक एडमिशन के लिए होता है और दूसरा पेपर बी आर्किटेक्चर के लिए होता है, जो कि ऑप्शनल होता है बच्चों के लिए। जेई एडवांस में 2 एग्ज़ाम लिए जाते हैं, CBT टेस्ट जो एग्ज़ाम होता है, दोनों पेपर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के होते हैं और दोनों पेपर कंपलसरी होते हैं इसके अंदर। अगला हम बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया जेई मेन के लिए क्या है। तो जेई मेन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी बच्चा जो 12th पास कर चुका हो वो जेई मेन के लिए एलिजिबल होता है 3 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स के लिए। जेई एडवांस के लिए क्राइटेरिया जो है एज का 25 ईयर मैक्सिमम एज तक आप जेई एडवांस दे सकते हैं, जिसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 2 बार ही आप ये एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है जेई मेन में, कि अगर आप किसी भी दिन जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें जो टॉपर है उसे 100 स्कोर यानी 100 परसेंटाइल दिया जाता है। अब सपोज़ कीजिए कि आपके जो है 90 परसेंटाइल आया है, तो 90 परसेंटाइल का मतलब ये होगा कि 90% ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स आपके बराबर या आपसे कम है। यदि आपका 99 परसेंटाइल आता है तो 99% ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स आपके बराबर या उससे कम होते हैं। ये परसेंटाइल का मीनिंग है, इट इज़ नॉट द परसेंटेज। NIT में मिनिमम जो है अगर हम बात करें तो 95%+ परसेंटाइल आपके लिए होना आवश्यक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा इससे ऊपर बढ़ेंगे तो आपको अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी। ठीक, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 95+ परसेंटाइल आवश्यक है, और मतलब होनी चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 80+ परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। 250 के ऊपर जो भी स्कोर है वो जेई मेन में अच्छा माना जाता है। जेई रैंक का किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है कि 60:40 रेशियो में जेई मेन के मार्क्स और क्लास 12 के मार्क्स का जो है वो वेटेज लिया जाता है, और उसके अनुसार ही मेरिट तैयार की जाती है। रैंक और परसेंटाइल का कंपेरिजन कर रहे हैं, तो अगर आपके 99 परसेंटाइल है तो रफली ये 9,000 रैंक आपको देखे जाएगा। अगर 91 परसेंटाइल है तो लगभग 80,000 रैंक आपकी आने वाली है। 95.8 परसेंटाइल पर 60,000 के आसपास रैंक आती है। तो एक आइडिया है कि किस तरीके से परसेंटाइल और रैंक आपस में जुड़े हुए हैं। स्कोर और परसेंटाइल का कंपेयर करें तो 250 मार्क्स पर 99.977 जो है परसेंटाइल अलॉट होती है, ये एक रफ एस्टिमेशन है, और 50 नंबरों पर 80 परसेंटाइल जो है आपको मिलती है। तो ये लगभग आप आइडिया लगा सकते हैं कि 100 मार्क्स अगर आपके जेई मेन में आते हैं तो 96.06 परसेंटाइल आपकी मानी जाएगी,
तो ये एक रिलेटिवली कंपेरिजन है दोनों के बीच में। बात करें कि कौन सा मोड जो है प्रिपरेशन का बेस्ट है, तो हम कहेंगे कि क्लासरूम लर्निंग का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन अब समय की मांग को देखते हुए वी विल गो विद द हाइब्रिड लर्निंग। हाइब्रिड लर्निंग का मतलब है कि क्लासरूम कोचिंग और साथ में ऑनलाइन कोचिंग का भी हम बेनिफिट साथ में लें, तो दोनों तरह की कोचिंग अब आने वाले समय की रिक्वायरमेंट है। क्लासरूम कोचिंग में जो बड़े लीडर्स हैं, कोटा बेस्ड एलन, वाइब्रेंट और रेजोनेंस अच्छे ऑप्शन है, और कोटा से बाहर वाले इंस्टीट्यूट में फिरजी, आकाश और नारायणा अच्छे ऑप्शन है। ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूट जो है उनमें ईटूस और न्यूक्लियन है, और कोटा से बाहर वाले इंस्टीट्यूट में अन अकेडमी, वेदांत और वाईजी जो है वो ऑप्शन है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये बोलें कि एक बच्चा जो है वो एक हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है कि मैं कोटा जाऊँ या ना जाऊँ, तो कोटा जाने के पीछे जो है उसके मतलब एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है बच्चे के पास कि कोटा का एनवायरनमेंट जो है तैयारी के लिए बेहतरीन है, बेस्ट है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको कोटा जाके कोचिंग अवश्य करनी चाहिए। उसके पहले आपने पेरेंट्स से बातचीत करें और ये देख लें कि ये इकोनॉमिकल बर्डन आपके लिए ना होता हो, अगर जा सकते हैं तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। और उसमें भी मैं कहूँगा कि अगर आप पेरेंट्स में किसी एक को लेके जाके साथ में रहें तो वो आपके मोटिवेशन लेवल के लिए बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन लर्निंग अगर हम कर रहे हैं तो उनमें जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव क्लासेस हैं उनमें से बेटर कौन है, ठीक है? तो पुराना जो कल्चर था कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और अब लेटेस्ट ट्रेंड जो है लाइव क्लासेस का आता है, पर हमने एक सर्वे किया है जिसमें ज़्यादातर बच्चों ने बोला है कि रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो बेटर है लर्निंग के लिए इन कंपेरेटिव टू लाइव क्लासेस। अगर हम ये बोलें कि प्रिपरेशन जो है वो कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो प्रिपरेशन जो है मेरे अकॉर्डिंग, वैसे तो जो पुराना ट्रेंड था कि कई पुराने 20 साल पहले बच्चे तब तैयारी स्टार्ट करते थे जब 12th पास कर लेते थे, फिर ट्रेंड आया फाउंडेशन का कि बच्चे 11th के साथ जेई की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, और अब बच्चे जो है लोअर क्लासेस से यानी 7th 8th से ही तैयारी स्टार्ट करने लग गए हैं। पर मेरा ओपिनियन ये है कि क्लास 10th के साथ आप तैयारी स्टार्ट करें, जब आप क्लास 10th में हैं तो 11th का जेई सिलेबस कंप्लीट कर लें, जब क्लास 11th में है तो आप क्लास 12th का जेई का सिलेबस कंप्लीट कर लें। इससे ये होगा कि जब आप यहाँ से 12th क्लास जब पढ़ रहे होंगे तो आपको CBSE बोर्ड देने की भी टेंशन है, तो आप पहले ही अगर JEE का कोर्स फिनिश कर चुके हैं ऑलरेडी 11th और 12th का, तो 12th में आपको रिवीजन करना है सिर्फ और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो 10th में एक सही टाइम है जब आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोचिंग के लिए कौन सा कंटेंट जो है वो बेहतरीन है, तो कोटा का कंटेंट अनडाउटली जो है पूरा इंडिया जानता है कि बेस्ट है, क्योंकि कई सालों की मेहनत के बाद ही कंटेंट डेवलप हुआ है, कई टीचर्स की मेहनत है इसमें। तो अगर मैं बोलूं कि पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल कौन सा बेस्ट है, तो कोटा का कंटेंट बेस्ट माना जाता है। कई बच्चे बोलते हैं कि मेरा गोल है जेई में अच्छी रैंक लाना, लेकिन मैं पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, तो उसका सिंगल सोल्यूशन ये है कि आप एक सिटिंग प्लान बनाइए, ठीक है? सिटिंग प्लान का मतलब ये है कि आपको कितने घंटे अपनी स्टडी चेयर के साथ बैठना है वो बनाइए। तो डेली आप जो है उस पर्टिकुलर टाइम पे बैठिए, और जितना टाइम आपने डिसाइड किया उतना टाइम आप डिवोट कीजिए कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है? तो स्ट्रिक्टली अगर आप सिटिंग प्लान फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुल डेफिनेटली हो जाएंगे। इम्प्रूव अगर करना है रैंक को, तो उसका बेस्ट टूल होता है रिविज़न। अगर रिविज़न आप कर रहे हैं तो आपके रैंक जो है अच्छे आने के चांसेस बन जाएंगे। रिवाइज कैसे करें, तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 3-4 पेजों का एक शॉर्ट नोट्स बना के रखें और ओकेशनली उसको पढ़ते रहें, हर 5-10 दिन में उसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन से ही आपका टॉपिक परफेक्ट हो सकता है। बच्चे कई ये कहते हैं 12th क्लास में जब होते हैं कि 11th का पोर्शन मेरा बहुत वीक है, तो मैं JEE में कैसे अच्छा कर पाऊंगा। तो देखिए, 11th का पोर्शन आपने पढ़ा हुआ है, बस आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है, तो आप डेली 2 घंटे का समय अलग से निकालिए रेगुलरली, और डेली 2 घंटे निकाल के आप उससे जो है 11th के पोर्शन पर ध्यान दीजिए, ताकि साथ में साइमल्टेनियसली दोनों क्लासेस ख़त्म हो और आप JEE में अच्छा परफॉर्म कर पाए। कितने घंटे आपको डेली पढ़ना चाहिए, तो कोचिंग को अगर हम 4-5 घंटे डेली का स्टडी माने, तो कोचिंग के अलावा आपको सेल्फ स्टडी के लिए 7-8 घंटे नियमित रूप से देने पड़ेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें, जिसमें आप जो है मतलब थ्योरी पढ़ सकें, रिविज़न कर सकें। तो ध्यान रहे कि ये जो कंसिस्टेंसी है कोचिंग की, सेल्फ स्टडी इज अ मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। तो जितना ज़्यादा आप इसमें रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। कई बच्चे बोलते हैं कि कोचिंग मैंने लगा ली है, क्या NCERT भी फॉलो करना है क्या? तो यस, क्योंकि NCERT वो स्टैंडर्ड बुक है जो आपको सिलेबस के बारे में करेक्ट आइडिया देती है कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है।
तो एनसीईआरटी साथ में पढ़ना जरूरी है। और इसका एक और फायदा है कि क्लास 12 में जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो एनसीईआरटी पढ़ी हुई रहेगी, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, कोई टेंशन नहीं होगी बोर्ड देने में। तो एनसीईआरटी जो बुक है वो साथ में रखनी है, केमिस्ट्री में स्पेशली जो है आपको ये रख। कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं, तो केमिस्ट्री में तो आपको खास तौर से एनसीईआरटी बुक को ध्यान रखना है। एग्जाम्पलर अगर पीछे के क्वेश्चन कर सके, एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा है। एग्जाम्पलर अगर कर सके तो बहुत अच्छा है। बच्चे बोलते हैं कि नोट्स बार बार रीड करूं या क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, तो ध्यान रहे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड एग्ज़ाम है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़ के ही आपका काम चल जाएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये आप ध्यान रहे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपका थ्योरी पार्ट अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आपको ऐसा ना हो कि क्वेश्चन अगर नहीं बने तो डीमोरलाइज हो जाओगे आप। तो इसलिए थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से करने के बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है इफ़ यू वांट गुड रैंक इन द एग्ज़ाम। कई बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि क्लास 12 के बाद मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसका आंसर ये छुपा हुआ है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, रिजल्ट आपका कैसा रहा, और अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो अगले एक साल फिर पूरे मोटिवेशन से पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे। तो इसको एनालाइज करें और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, पीसीएम में बात करें, तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका जो है वो कौन सा है? केमिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम न्यूक्लियन कोटा।